नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों के रूप परिवर्तन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बताऊंगा इसके बारे में। तो इनको समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। तो एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृक वाच्य और पैसिव वॉइस अर्थात कर्म वाच्य। तो एक्टिव वॉइस में तो कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब्स जिस टेंस में उसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, टेंस अर्थात काल, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट में किन किन हेल्पिंग वर्ब साइन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एम, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद इज और आर, ये प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में एम बीइंग इसके बाद में इज बीइंग और आर बी का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में देखिए हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये क्रॉस लगा दिया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में देखिए वाज और वर्साई क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, पास्ट परफेक्ट में हैड बीइंग का प्रयोग किया जाता है, हैड बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका पैसिव नहीं बनता है, क्रॉस से इसको मैंने समझा दिया। इसके आगे देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के इंडेफिनिट में। फ्यूचर के कंटिन्यूअस में कोई प्रयोग नहीं होता, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे चलिए, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसका पैसिव नहीं बनता है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप जानते ही हैं, एम का अर्थ हूं, इज माने है, आर माने है या हो। इसमें बीइंग लगा देते हैं, इन्होंने कंटिन्यूअस में एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। इसमें हैज बीइंग, हैव बीइंग। इसमें आप जानते हैं वाज माने था, थी, ओवर माने थे या थी। इसके साथ में कंटिन्यूअस में वाज बीइंग लगा देते हैं, वर बीइंग लगा देते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड बीइंग का प्रयोग हो जाता है।
इसमें सेल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है और विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। बी का अर्थ वैसे होता है होना, इसमें पैसे बनता ही नहीं है, इसमें हो जाता है शैल के साथ हैव बीन और विल के साथ भी हैव बीन का प्रयोग इस प्रकार से, और इसमें पैसे वॉइस नहीं बनता है। तो ये तो केवल इससे संबंधित हेल्पिंग वर्ब्स हैं कर्मवाच्य बनाते समय जिनका प्रयोग किया जाता है। अब प्रोनाउन जो होते हैं सर्वनाम, उसको नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव जो केस होता है उसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ता है। तो उसमें बदलाव कैसे होगा, देखिए आई को मी में बदल देते हैं, आई माने मैं, और इसका हो जाता है मी माने मुझे। इसके बाद में यू, यू माने तुम, और यू का यू ही रहता है तुम्हें, तुमका तुम्हें। दे, दे माने वे, वे का हो जाता है दे का देम उन्हें, उन्हें या उनको। वी, वी माने हम, और हम का वी का हो जाएगा अस हमें। ही, वह, ही माने वह, यह पुरुष वाचक है। इसको बदल देंगे हिम, हिम माने उसे, वह का उसे। शी माने विवाह है, ये स्त्रीवाचक है। इसका हो जाता हर, हर माने भी उसे। इस तरह से इनमें बदलाव कर देते हैं, और जो संज्ञा अर्थात जो नाम आते हैं नाम का नाम ही रहता है। अब हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाएंगे। देखिए अब प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का रूल, ये प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट इसका लिखाएंगे, प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूस का रूल यहाँ लिखाएंगे, फिर उसके बाद में प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो ये रूल आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद में इजे अथवा एम अथवा आर सहित क्रियाओं का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट में, जिस वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट होता है एक कर्म होता है उसका रूल है। यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट को तो यही ले आते हैं इसी स्थान पर और दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग इस वाई से पहले किया जाता है। तो यही डबल ऑब्जेक्ट के यही नियम रहते हैं, वाई से पहले वो दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाकी नियम ऐसे ही रहते हैं। आप देखिए आप इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं इस वाले का, यहाँ पर इस रूल को समझ लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज अथवा एम अथवा आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वाई और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट माने कर्म, कर्म को पहले स्थान पर ले आते हैं अफर्मेटिव में, और कर्म के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म एकवचन का है
तो इज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यदि कर्म बहुवचन का है तो आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यदि इस ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर कर्म वाले स्थान पर यदि आई आ जाता है तो वहां पर एम का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जितने भी पैसिव होते हैं सब में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। वाई आप जानते हैं, वाई होने द्वारा और सब्जेक्ट यहाँ बना जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा पैसिव, ये एक्टिव है, इसका पैसिव हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा लेटर। अब ये लेटर एक है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। ये मुख्य क्रिया की राइट की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी रिटेन। उसके बाद वाई और आई का जब नॉमिनेटिव केस बनाएंगे तो मी हो जाएगा, आई का सॉरी आई का जब ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे नॉमिनेटिव का तो ये मी हो जाएगा। तो अब इन दोनों का अर्थ देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, और इसका अर्थ देखिए कि लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अगला देखिए एक्टिव, जैसे दे राइट लेटर्स, हाँ समझ लीजिए दे राइट लेटर्स, वे पत्र लिखते हैं, अब इसका पैसिव हो जाएगा लेटर्स को पहले स्थान पर ले आते हैं। अब ये बहुत सारे पत्र हैं इसलिए आर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, आर और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन है, और बाई अब इसमें दे है, अब दे को इधर जब लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस बनाते हुए तो दे का दे हो जाएगा बाई दे। अब इस दोनों का अर्थ देखिए, दे राइट लेटर्स, वे पत्र लिखते हैं, तो लेटर्स आर रिटेन बाई देम, पत्र उनके द्वारा लिखे जाते हैं। इस प्रकार से अब आपको एम का प्रयोग बता देते हैं, जिसमें एम का प्रयोग किया जाता है, जैसे टीचर टीचर मी, टीचर मी, अध्यापक मुझे पढ़ाता है, तो इसका कैसे हो जाएगा। अब मी को वापस, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, और जब इधर लाएंगे तो वापस वो आई बन के आएगा, आई सब्जेक्ट के स्थान पर जब आया नोट करके तो आई बन के आया, तो आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट बाई टीचर, अध्यापक मुझे पढ़ाता है, और इसका अर्थ है मैं अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। तो ये आपके अफर्मेटिव का हो गया। अब इसका नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद में इज अथवा एम अथवा आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका यहाँ पर नेगेटिव उदाहरण देख लीजिए, नेगेटिव में जैसे ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाता है, तो इसका हो जाएगा ए सॉन्ग पहले ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, ए सॉन्ग
अब एक वचन है इसलिए इज लग जाएगा इज, और उसके बाद नॉट साइड क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये सॉन्ग इज नॉट, अब सिंग की थर्ड अपॉन संग, संग बाई, अब ही की, ही को जब इधर लाते हैं नॉमिनेटिव केस को, जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो ही का हिम हो जाता है। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हिम, इसका समझ लीजिए ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाता है, और इसका हो जाएगा एक गीत उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। इस प्रकार से ऐसे ही और उदाहरण देख सकते हैं आप, एक और देख लीजिए, ही डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब इसमें सॉन्ग्स कई सारे गीत हैं, फिर इसका कैसे बनाएंगे, तो सॉन्ग्स आर लग जाएगा क्योंकि वो वचन है इसलिए आर, इसके बाद नॉट और वही सिंग की थर्ड पर संग, संग बाई ही का हो जाएगा गीत, मतलब कई सारे गीत उसके द्वारा नहीं गाए जाते, इस तरह से ये हो गया। अब इसका इंटरवेटिव देख लीजिए, इंटरवेटिव में ईज एम आर सबसे पहले स्थान पर आ जाती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप इंटरवेटिव का प्रयोग, यहाँ देख लीजिए, जैसे डू डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, इसका वजह से हो जाएगा। अब एक वचन में लेटर इसलिए ईज लगेगा, ईज पहले आ जाएगा, ईज ए लेटर राइट की थर्ड अपॉन रिटन बाई यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और उदाहरण देख सकते हैं, डज शी मेक काइट्स, क्या वह पतंगे बनाती है, इसका हो जाएगा, अब पतंगे बहुत सारी इसकी आर पहले आ जाएगा, बहुवचन इसकी आर, इसके बाद में कर्म है काइट्स, आर काइट्स, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाई और शी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन क्या उसके द्वारा पतंगे बनाई जाती हैं। अब आप इसको देख लीजिए इंटरवेटिव प्लस नेगेटिव में, ए जी एम आर पहले स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ प्रयोग देख लीजिए, जैसे डू दे नॉट ईट मैंगोज, क्या वे आम नहीं खाते हैं, इसका हो जाएगा, अब मैंगोज बहुत सारे इसके आर लग जाएगा, आर मैंगोज नॉट, आर मैंगोज नॉट ईट की थर्ड पर ईटन बाई देखा है, क्या उनके द्वारा आम नहीं खाए जाते हैं। और देख लीजिए डज राम
नॉट प्ले क्रिकेट क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका होएगा क्रिकेट को ही क्वेश्चन रखा गया ठीक है। इसका क्रिकेट ऑब्जेक्ट लग जाएगा यहाँ पर इज क्रिकेट नॉट लग जाएगा नॉट प्लेड ठीक थर्ड वन प्लेड बाई राम क्या क्रिकेट राम के द्वारा नहीं खेली जाती है? इसका अर्थ है क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? इसका हो जाएगा क्या क्रिकेट राम के द्वारा नहीं खेली जाती है।